पात पात वाली कहावत इन दिनों भू माफिया और एचआरडी विभाग पर सटीक बैठ रही है। एक तरफ जहां भू माफिया अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं एचआरडीए पीछे पीछे उन पर बुलडोजर चला रहे हैं। रुड़की एचआरडीए विभाग ने हाल ही में दर्जनों कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया है और साफ चेतावनी दी है कि यदि अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया तो कानूनी कार्रवाई के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बता दें, रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता डीएस रावत के नेतृत्व में विभागीय टीम द्वारा अनंतपुर ननहेड़ा समेत क्षेत्र में करीब आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। ये कॉलोनियां बिना अनुमति के काटी जा रही थी। इससे पहले विभाग ने इन कॉलोनी स्वामियों को नोटिस देकर कार्रवाई की चेतावनी दी थी, जिसके बाद उचित जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। डीएस रावत ने बताया, 6 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही कुछ और अवैध कॉलोनियां हैं जिन पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि कॉलोनी में मकान या जमीन खरीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नियमों के विरुद्ध कार्य करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जो अनाधिकृत रूप से जो कॉलोनियां हैं उन पर जो है कार्रवाई चल रही है, और जो लेआउट अप्रूव्ड नहीं है प्राधिकरण क्षेत्र से, तो उन पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रथम चरण में हमने 5 कॉलोनी को तोड़ा है। दूसरी चरण में पहले कॉलोनी में 4 कॉलोनी तोड़ी थी, अब आज 5 तोड़ी है। अभी आगे भी कार्रवाई जारी है, स्कूटनी चल रही है। संदेश क्षेत्रवासी को यह संदेश है कि बिना प्राधिकरण में जानकारी के अपना जमीन जायदाद ना खरीदें। जानकारी के लिए हमारा जो कार्यालय है वहाँ संपर्क कर लें, वेबसाइट से संपर्क कर लें, तो आपको सारी जानकारी वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। और अपने घर को जो आप जिंदगी भर की कमाई खरीद बनाते हैं और उसको जो है फिर अनाधिकृत रूप से कॉलोनी में ले लेते हैं, वहाँ नक्शा पास नहीं होता, आपको फाइनेंस लोन नहीं होता, तो मैं यही संदेश दूँगा।